कभी महबूबा मुफ्ती ने दिया था मोदी को चैलेंज, कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अब महबूबा मुफ्ती को कश्मीर ने ही दिया जवाब। तिरंगा तो आज भी कश्मीर में शान से लहरा रहा है, महबूबा मुफ्ती का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। जिस कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है, जिस कश्मीर पर मुफ्ती के परिवार ने सालों तक राज किया, उस मुफ्ती परिवार की बेटी महबूबा मुफ्ती ने कभी बयान दिया था, दिल्ली में बैठी मोदी सरकार ने अगर अनुच्छेद 370 और 35 ए को हाथ भी लगाया तो कश्मीर में उस तिरंगे को कंधा देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। 35 ए के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं, तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। दिल्ली की सत्ता में बैठी मोदी सरकार को साल 2017 में ये चैलेंज महबूबा मुफ्ती ने दिया था, लेकिन ये बात शायद वो भूल गई थी कि वही मोदी हैं जिन्होंने 90 के दशक में आतंकवादियों की धमकी के बावजूद जान की बाजी लगाकर कश्मीर में तिरंगा लहराया था। वो मोदी भला ऐसी धमकी से कहां डरने वाले थे। उन्होंने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के साथ ही 35 ए भी हटाया और 5 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी करवा दिया, जिसके नतीजे आते ही महबूबा मुफ्ती को एक बात जरूर समझ में आ गई होगी कि कश्मीर में तिरंगा तो आज भी शान से लहराएगा, लेकिन शायद पीडीपी के झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचा है। इसीलिए 90 सीटों वाले जम्मू कश्मीर में महबूबा की पीडीपी महज 3 सीटों पर सिमट गई, तो वहीं खुद उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी बुरी तरीके से चुनाव में हार गई हैं। एक मिनट आप क्या जी दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती ने तो कसम खाई थी कि जब तक 370 की बहाली नहीं होती वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को राजनीति में उतार दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जोर शोर से चुनाव प्रचार भी किया और इसी चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसी हरकत करती हुई नजर आई जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि एक नेता को कम से कम इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। यकीन नहीं तो देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एनआई के साथ इल्तिजा मुफ्ती का ये बर्ताव देख लीजिए। मैनिफेस्टो हमारा पढ़ लीजिए, मुझे लगता है एएनआई चाहती है मैं यहाँ वो पाकिस्तान पाकिस्तान करके आपको मुफ्त की टीआरपी दूं, वो तो मैं करने नहीं वाली हूँ। तो आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है और बहुत क्लियरली लिखा है। थैंक्स फॉर द बेस्ट, नो एएनआई, थैंक यू, नो एएनआई एट ऑल, नहीं नहीं ये भी नहीं बोलूंगी मैं। एक मिनट आप क्या जी मैम, आपके जो वालिद साहब है वो खुद भी सीएम है। जिस मीडिया के जरिए बड़े से बड़े नेता अपनी बात जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं, उसी मीडिया के साथ इतना घटिया बर्ताव भला कोई नेता कैसे कर सकता है, वो भी तब जब इल्तिजा मुफ्ती जैसी नेता को कश्मीर से बाहर कोई जानता भी नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मीडिया का अपमान किया, जैसे मानो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी है तो कश्मीर की बड़ी नेता बन गई। उनका ये दंभ, उनका ये अहंकार जल्दी ही मिट्टी में मिल गया। कश्मीर की जनता ने ही उन्हें बुरी तरह से चुनाव हरा कर वापस घर भेज दिया। हालात ये हो गए कि जिस पिच बेहरा विधानसभा सीट से इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ रही थी, उस सीट पर सिर्फ 3 उम्मीदवार थे, बीजेपी के सोफी यूसुफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाह वीरी और पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार बशीर अहमद 33,299 वोट पाकर चुनाव जीत गए, पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती को 23,529 वोट मिले और वो चुनाव हार गई। बीजेपी उम्मीदवार सोफी यूसुफ 3,716 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। महबूबा मुफ्ती ने बहुत ही सोच समझकर अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को बिजबेहरा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, क्योंकि इस सीट पर 1999 से लगातार उनकी पार्टी पीडीपी का दबदबा रहा।
यहाँ तक कि खुद महबूबा मुफ्ती 1996 में कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। यहाँ तक कि जिस अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में बिजबेहरा सीट आती है, उस अनंतनाग सीट से भी खुद महबूबा मुफ्ती दो बार सांसद रही और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद एक बार सांसद रहे। लेकिन इसके बावजूद इल्तिजा मुफ्ती बिजबेहरा सीट से चुनाव हार गई। ये हाल तब है जब उनकी माँ महबूबा ने अपनी बेटी को सबसे सेफ सीट से मैदान में उतारा था, फिर भी वो एक चुनाव नहीं जीत पाई और घमंड इतना कि मीडिया पर भी अपना गुस्सा उतारने से बाज नहीं आती। एक तरफ जहां कश्मीर की जनता ने ऐसी नेता को चुनाव हराकर वापस उनके घर भेज दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब्दुल्ला परिवार भी मोदी सरकार के सामने सरेंडर करता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर अब्दुल्ला परिवार ने चुनाव लड़ा, अब उस अनुच्छेद 370 का मुद्दा अब्दुल्ला परिवार छोड़कर भाग खड़ा हुआ है और उन्होंने खुद कह दिया है कि फिलहाल अब ये मुद्दा छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि दिल्ली में बैठी जिस मोदी सरकार ने 370 हटाया उसी सरकार से इसे वापस नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने 370 का मुद्दा छोड़कर मोदी सरकार के साथ काम करने का ऐलान कर दिया है और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि 370 का मुद्दा अब हम नहीं उठाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में आए इस बदलाव पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसी हुकूमत बने जो उनकी उम्मीदों पे उतर आए और उनकी उम्मीदों के मुताबिक काम कर सके, अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPM, हमें लोगों का ताउन हासिल हुआ है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जो है काम करें और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालें। हमारे लिए अब ज़रूरी ये बन जाता है कि मरकज़ के साथ एक रिश्ता बनाएं, एक राफ्ता कायम करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुतालबे हैं, परेशानियां जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें। क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला का इस वक्त बिहेवियर था, जो एक ट्यून था बात करने का लोगों के दिल के साथ, कि भैया पिछली बार अगर कुछ प्लस माइनस हुआ है, कोई गलती हुई है, उसका अजाला हम करेंगे, उसमें जो मेन मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूं। इस सवाल का जवाब तो आपको वोटरों से लेना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि मुझे इस बात का एहसास है कि हमें शायद ऐसे लोगों से भी वोट हासिल हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट डाला नहीं होगा, और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों को जो है ये अपने काम के ज़रिए दिखाएं कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ और उन्होंने वोट दिया तो सही किया। PDP ने भी स्टेटहुड की बात की है, 370 की बात की है, वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करता रहा है, लेकिन एक अलग ही वेव देखने को मिली, कोई खास रीजन? ना, मैं PDP और PDP की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो तो PDP को अपने इलेक्शन के नतीजों के बारे में बात करना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जेलों से लोगों को निकाला गया, जमात इस्लामी को आगे किया गया, लेकिन यहाँ वोटों को तकसीम करने में कोई कोशिश जो है नहीं छोड़ी गई, कोई कमी नहीं रखी। आपने खुद कहा लोगों को जेल से निकाला गया, वो आज कहाँ है? जिन लोगों ने पार्लियामानी इलेक्शन के बाद अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझना शुरू किया, आज वो कहीं नहीं है। यहाँ ऐसी ऐसी ताकतें मैदान में उतर आई जिन्होंने 30-35 साल जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की, आज बिना उस 35 साल का जवाब देखते हुए वो सीधा इलेक्शन के मैदान में कूद गए। अरे इसी चीज़ के लिए तो वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गाली देते थे, आज लोग उनसे क्या उम्मीद करें? उन्होंने क्या हासिल किया जम्मू कश्मीर के लिए? तबाही और बर्बादी के अलावा जहाँ क्या मिला? क्या 10 साल लोगों के जज्बों के साथ खेला गया, खासतौर पर जो हमारी? अब मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा ना। अब खामखा झगड़ों में उलझना, वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन के ऐसे नतीजे आए। अब कोशिश तो यही की जाएगी कि सबको मिलके हम जो है आगे बढ़ें। मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे अलायंस में जम्मू का एक अच्छा खासा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वहाँ होगी नहीं। अब जो हुकूमत बनती है आने वाले दिनों में, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि वो जम्मू के लोगों को ये एहसास ना होने दें कि ये हुकूमत उनकी नहीं है। जम्मू के जिन बेल्ट्स ने BJP की मदद की,
अब बीजेपी इस हकूमत में शामिल है नहीं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस हकूमत में शामिल नहीं है। जो भी कल परसों जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता है, वजीर आला बनता है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जम्मू के लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि ये भी उनकी हकूमत है जिस तरह ये कश्मीर के लोगों की हकूमत है। एक खास बात आपने खुद कही, कोई कसर बाकी नहीं रखी गई, तीन बराबर खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, खानदानी राज, लेकिन जो लोगों ने जवाब दे दिया है इसको देखकर अब कितना ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो हमारा स्टेटहुड है। हम कुछ नहीं कहेंगे, मैंने हमेशा ये कहा है, आखिरकार लोग मालिक हैं, हम खादिम हैं। ये खानदानी राज वाली बात ये तो लोग तय करते हैं ना, हम अपने आप को लोगों के ऊपर नहीं ठोसते। लोग फैसला करते हैं कि क्या वो हमें पसंद करते हैं या नहीं। 2 महीने पहले मैं इलेक्शन हारा, आज मैं इलेक्शन जीता, मैं वही शख्स हूं, उसी खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरी सियासत में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन 2 महीने पहले मैं हारा, आज मैं जीता, लोग मालिक हैं ना। अब हमें इस बात, हम शायद हम जो हुकुमरान हैं, हम जो सियासतदान हैं, हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम बड़ी तोप चीज़ हैं, हम ही 30 मार खान हैं। लेकिन ये ख्याल जो है ये गलत है, यहाँ लोग मालिक हैं, लोग तय करते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ लोगों की खिदमत करने के लिए आते हैं, और इस चीज को हमें याद रखना होगा। जिस हिसाब से मेजोरिटी आ गई, मतलब शायद तवक्कात जो थे उससे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज मिला है, तो इसमें कितना आगे अब जिम्मेदारी होगी लोगों के लिए वो काम करना जो जख्म अभी है, कुछ खास मुद्दे ऐसे होंगे जिसके लिए लोग शायद तवक्कात नहीं। मैंने पहले ही कहा कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और बहुत कुछ करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम यूटी की हैसियत से भी कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके लिए हमें रियासत के दर्जे का इंतजार करना होगा, लेकिन उम्मीद की जाती है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जो टारगेट मिला है आपको लगता है अगर कोलिशन भी नहीं होती तब भी शायद ऐसे आ गया? क्यों खामखा मुझे झगड़े में डाल रहे हो? अब क्या हम और सीटें जीत सकते थे या हमें जीतना चाहिए था? क्यों नहीं ना, हम 50 पे रुके, 60 पे रुक सकते थे, 70 पे रुक सकते थे, लेकिन जितने मिले मैं उन सब एक एक सीट के लिए शुक्रगुजार हूँ। और ठीक है ना, कुछ नहीं मिले ना, अगली बार। सबसे परेशानी ये थी कि जो नॉमिनेशन कमेटी बैठी जाएगी 5 लोगों की, उनका इत्मीनान किनको? अब शायद वो चैप्टर बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी इन 5 को नॉमिनेट कर भी लेती है तो क्या फायदा, उनको आप ऑपोजिशन में बिठा रहे हो, और क्यों खामखा इस झगड़े में पड़ना, क्योंकि ये मामला फिर अदालत के सामने जाएगा और खामखा हमारे और मरकज के रिश्तों में एक थोड़ी सी खटास आ जाएगी। अभी एक नया रिश्ता कायम करना है, क्यों लड़ाई से ये रिश्ता शुरू करें? बेहतर यही होगा कि एक एक अच्छे माहौल में ये रिश्ता बने, तो वही किया जाना चाहिए जो जो जायज़ है, और जायज़ ये है कि हकूमत जो है रेकमेंड करे और LG साहब उस रेकमेंडेशन पे अमल करे। बहुत अच्छी बात है, रिश्ते नए तरीके से शुरू किए जाए, तो साथ साथ में आपको लगता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी ताल्लुकात? आप फिर मुझे झगड़े में उलझा रहे हो। 15-16 बड़ी अच्छी बात है कि जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं, अब देखते हैं कि एक ये सुषमा स्वराज जी के बाद ये पहली मर्तबा है कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं।